हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा ट्रैवल विथ योर बेबी। बच्चे के साथ ट्रैवल करते वक्त बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको डाउट में डालते हैं और आपको सोचने में मजबूर करते हैं, क्या ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे बच्चे के साथ फ्लाइट में ट्रैवल अगर कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर्सनली मेरे खुद के दो बच्चे हैं, सिया और साची, और हम लोग को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया जब भी मेरी डॉटर 40 डेज की थी। पहला ट्रिप हम लोगों ने किया महाबलेश्वर, जो रोड ट्रिप था। उसके बाद मेरी डॉटर जब भी 8 महीने की हुई, हम लोग गए US, जो हमारा 23 डेज का ट्रिप था। उसके बाद हम लोग, जब भी मेरी डॉटर 1 साल 2 महीने की हुई, हम लोग गए राजस्थान, जो हम लोग का ट्रेन ट्रिप था। के बाद जब भी मेरी डॉटर 18 महीने की हुई, तभी हम लोग गए थे अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, बोलीविया, उशुआया, अल कालाफाते, ऐसी हमारी टोटल 28 डेज की ट्रिप थी, जिसमें हम लोगों ने मोर देन 20 फ्लाइट्स चेंज किए। बिकॉज हम लोग एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जाके वापस आते हैं, फिर जाके वापस आते हैं, फिर जाके वापस आते हैं। जेट लैग ले लो, टाइम डिफरेंसेस ले लो, वाओ, एवरीथिंग वॉज पार्ट ऑफ अवर ट्रिप। तो आप लोग सोच सकते हो कि मैंने कितना ज़्यादा एयर ट्रैवल किया हुआ है मेरे ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे के साथ। बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे के साथ फ्लाइट ट्रैवल करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग फ्लाइट में बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे का फूड कैसे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा चीज़, जेट लैग हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए जा रहे हो। चौथा चीज़, कौन सी चीज़ें शुड बी पार्ट ऑफ अवर प्लानिंग। इन सब चीज़ों के जवाब हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन जो लोगों के दिल में आता है, हम लोग बच्चे के साथ फ्लाइट में ट्रैवल कब से प्लान कर सकते हैं। जेन्युइनली स्पीकिंग, आप 10 डेज के बाद से ही बच्चे के साथ फ्लाइट ट्रैवल प्लान कर सकते हो, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है, मदर रिकवर्ड है, ब्रेस्ट फीडिंग सेट है। तो अगर आपको लगता है नहीं हम लोग को पिकनिक के लिए जाना है, तो आप लोग 2 महीने के बाद बच्चे के साथ कभी भी फ्लाइट ट्रैवल इन्वॉल्व वाला पिकनिक प्लान कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस खुद से रखो। आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, बहुत खुश हो, फ्लाइट में जा रहे हो, इसका बच्चे पे कोई असर नहीं है। बच्चा जब भी हंसता है तभी हंसता है, जब भी रोता है तभी रोता है, जब भी चिल मारता है तभी चिल मारता है। वन ऑफ द ईजीएस्ट वे, अगर आपको आपके बच्चे के साथ आपका ट्रैवल कम्फर्टेबल करना है, तो बच्चे को फोर्स मत करो। जब भी बच्चा खेलना चाह रहा है तभी ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश मत करो। जब भी बच्चा सोने पे आ गया है तभी बच्चे को ज़बरदस्ती जगा रखने की कोशिश मत करो। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और पीसफुल जर्नी हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म फ्लाइट जर्नी प्लान कर रहे हो, तो प्रेफरेबली उस समय प्लान करो जब भी बच्चा बहुत क्रैंकी नहीं होता है। सो हर पेरेंट को एक अंदाज़ होता है कि बस शाम के टाइमिंग पे या दोपहर के टाइमिंग पे या रात को 10 के आसपास मेरा बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, तो आपको वो टाइम अवॉइड करना है आपके ट्रैवलिंग के लिए। थर्ड थिंग, आपको फ्लाइट टिकट्स बुक करते वक्त ध्यान में रखना है कि आप लोग कौन से टिकट्स बुक कर रहे हो। प्रीफर योर एयर टिकट्स टू बी इन फ्रंट एरिया, बिकॉज कई बार बच्चे, अगर आप एकदम पीछे हो, सो जब भी लैंड हो जाएगा और आपको बाहर निकलना है, तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वो पूरा एरिया क्रॉस करने के लिए। दूसरा चीज़, कई बार बच्चे इतने सारे अनजान लोगों को देख के भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो अगर आप लोग फ्रंट साइड में अगर आपके लिए सीट ब्लॉक करोगे, तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर चाइल्ड। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो एज अ मदर और आपके साथ बच्चा है जो ब्रेस्ट फीड भी करता है, तो आई पर्सनली प्रिफर्ड ऑलवेज अ विंडो सीट, बिकॉज अगर बच्चा रोता है और उसको फीड करना है, तो मैं थोड़ा सा टर्न होके मेरा एक प्राइवेट स्पेस क्रिएट करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती हूँ। अगर आप लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर आप लोग एक आइल सीट, मतलब जो पैसेज का सीट होता है, और एक विंडो सीट ऐसे प्रिफर कर सकते हो। उसका एडवांटेज क्या है पता है, आइल सीट में जो बंदा बैठा हुआ है वो बहुत ईजिली बच्चे को लेके फ्लाइट में थोड़ा बहुत घूम सकता है, ताकि वो बच्चे को भी थोड़ा ईज आउट हो सकता है और इट बिकम्स लिटिल कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस। ट्रैवल जब भी आप लोग प्लान कर रहे हो, तभी आप लोग को नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोग अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, तो आप लोग को बच्चे का पासपोर्ट पहले तैयार करके लेना पड़ेगा। अगर आप लोग नेशनली ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग को पासपोर्ट नहीं लगेगा, बट उनका बर्थ सर्टिफिकेट और नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो भी चाहिए वो आप लोग के पास तैयार होना चाहिए।
नेक्स्ट थिंग, ट्रैवल करते वक्त, स्पेशली फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? फर्स्ट थिंग जो आपके पास प्रिफरेबली होना चाहिए इज बेबी वेयरिंग. बच्चे को कैसे कैरी करना है उसके रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ. सो बेबी वेयरिंग मतलब बेबी कैरियर जो होता है जिसमें आप लोग बच्चे को बहुत ईजीली रख सकते हो और बहुत फ्री हैंड से ट्रैवल कर सकते हो. सो बच्चा सामने हो सकता है, पीछे एक सैक हो सकता है और आपके हाथ में व्हील वाली बैग हो सकती है, तो आप बहुत कंफर्टेबली अकेले भी बच्चे को लेके ट्रैवल कर पाओगे. तो आप लोग के पास बेबी वेयरिंग या बेबी कैरियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनलेस लाइक आपके साथ कोई हेल्प है जो बच्चे को हाथ में कैरी कर सके. अगर आप अकेले हो तो बेबी वेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. पर्सनली मेरे और मेरे हस्बैंड के केस में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है बेबी कैरियर या बेबी वेयरिंग. बस बच्चे को उसमें डालो, बच्चा मस्त दुनिया एक्सप्लोर करता है. बच्चा नींद में आ गया तो बच्चे को हमारी तरफ हम लोग टर्न कर देते थे और बच्चा बहुत एंजॉय करता था. तो बेबी वेयरिंग बिकम्स नेसेसरी. सेकेंड थिंग, अगर आप लोग लंबी जर्नी के लिए जा रहे हो, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो, बच्चे के साथ घूमने वाले हो वहाँ पे, देन यू शुड हैव बेबी प्रैम. प्रैम प्रिफरेबली ऐसा वाला लो, लो जो बहुत ईजीली फोल्ड हो जाए, बहुत ईजीली खुल जाए. एंड यू शुड कैरी प्रैम. प्रैम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है? बिकॉज ट्रैवलिंग में आप बार बार बच्चे को हाथ में लेके घूमोगे तो आप ट्रिप एंजॉय नहीं कर सकते हो. तो आपके पास प्रैम होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आपका ट्रिप प्लान हो गया आपने, ओके, तो प्रैम आपके साथ होना चाहिए. तीसरा चीज़, आपके पास कोई क्विक ड्राई या छोटा सा डायपर चेंजिंग शीट होना चाहिए. बिकॉज फ्लाइट में अगर आप लोग को डायपर, अगर आप लोग को डायपर चेंज करना पड़े तो आपको वॉशरूम में जाके देयर इज अ डायपर ट्रे जिसके ऊपर आप आपका ड्राई शीट या क्विक ड्राई डाल सकते हो, जिसके ऊपर बच्चे को रख के फिर आप लोग बच्चे का डायपर चेंजिंग कर सकते हो. तो एक ड्राई शीट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट थिंग, आपके पास बैकअप होना चाहिए डायपर्स का. बिकॉज वी डोंट नो बच्चा कभी पू करेगा कभी पी करेगा, तो आप तैयार होने चाहिए कि आपके पास इनफ बैकअप हो डायपर्स का. बिकॉज आप लोग एक ही जगह पे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है तो आपको ध्यान में रखना है कि हर 2-3 घंटे बाद बच्चे का डायपर चेंज होना चाहिए. आप जब भी चेंजिंग एरिया में या बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हो तभी एक 2-3 मिनट के लिए बच्चे का वो एरिया खुला रखो. अगर आपको जमता है तो थोड़ा सा पेपर या किसी चीज़ के वहाँ पे थोड़ा सा हवा मार दो ताकि वो एरिया थोड़ी देर के लिए खुला रहे. फिर अच्छे से डायपर क्रीम लगाओ, इसीलिए आपके बैग में डायपर क्रीम कंपलसरी होना चाहिए. और फिर बच्चे को डायपर पहनाओ ताकि बच्चे को डायपर रैश नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग, आपके साथ कुछ खिलौने होने चाहिए जो बच्चे को एंगेज रख सके, जिसमें म्यूज़िक ज़्यादा नहीं है. सो बहुत हैवी म्यूज़िक वाले टॉयज़ कैरी करोगे तो आपके साथ को पैसेंजर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब हो सकता है. तो प्रीफरेबली आपके साथ कुछ बैकपैक में ऐसे टॉयज़ होने चाहिए जो बच्चा बहुत अच्छे से खेलता है. जैसे टीदिंग रिंग आप लोग ले सकते हो, कुछ स्मॉल रैटल्स आप लोग ले सकते हो, कुछ टेक्सचर बुक्स आप लोग ले सकते हो जिससे आप लोग बच्चे को बहुत ईजिली एंगेज रख सको. अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड खाता है तो आपके पास कंपलसरी बच्चे के फूड के कुछ ऑप्शन होने चाहिए. पर्सनली मैंने जब भी ट्रैवल किया था आई कैरीड इडलीज विथ मी, जो होममेड इडलीज मैं जिस भी किसी कंटेनर में बच्चे का खाना कैरी कर रही थी, इट वॉज एयर टाइट कंटेनर, तो वो बहुत ईजिली मेरी पर्स में रह जाता था. मैंने ट्रैवल के समय एयर होस्टेस या जो भी केयर प्रोवाइडर्स और जो भी अटेंडेंट रहता है उनको बोल दिया था कि आप फ्रिज में रख दो, फ्लाइट में माइक्रोवेव होता है. एंड ट्रस्ट मी, उन लोगों ने मुझे गर्म करके भी दिया था मेरे बच्चे के लिए खाना. तो मैंने इडली हमेशा कैरी किया था. फिर दूसरा चीज़, मैंने बच्चे के लिए एक पतला उपमा या खीर टाइप हम लोग जो बोलते हैं वो कैरी किया था. सो 2 मील्स मैंने कैरी किए हुए थे. तीसरा मील जो मेरे साथ था वॉज सेरलैक, जो रेडी पैकेज्ड मिलता है जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाल दो तो बच्चे का खाना बन जाता है, जो एज अप्रोप्रिएट आप लोगों को खरीद के लेके जाना है. सो वो मैंने रखा हुआ था मेरे साथ. अगर आपका बच्चा पानी पीता है या लैक्टोजन अगर मिल्क की बॉटल से लेता है तो आपको बॉटल्स का बैकअप, पानी अगर पीता है तो सिपर का बैकअप आपके पास होना चाहिए. स्पून्स, नैपकिन्स, आपके बच्चे के लिए अगर आपको बिब साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सी याद रखो, बच्चे के अगर कपड़े गंदे हो गए ट्रैवल में और अगर वो आपको डिस्टर्ब करने लग गया, बच्चे को अनइजी फील होने लगा, तो चाइल्ड इज़ गोइंग टू गेट क्रैंकी. तो आप लोग अगर ये सब चीज़ें कैरी करोगे तो आपका ट्रैवल थोड़ा और ईजी हो जाता है. याद रखो, आपको ये सब चीज़ें मेन बैग में नहीं डालना है, आपके कैबिन बैग में डालना है.
ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाए उस चीज़ों को कैरी करना. और कुछ कुछ चीज़ें तो आपके पर्स में होनी चाहिए, जैसे कि सैनिटाइजर आपके पर्स में होना चाहिए, बिब आपके पर्स में होना चाहिए, बच्चे का एक टाइम का खाना जो आपको उनको फ्रिज में रखने के लिए देना है वो आपके पर्स में होना चाहिए, वेट वाइप्स डायपर आपके पर्स में होना चाहिए, डायपर क्रीम, क्विक ड्राई शीट आपके पर्स में होना चाहिए. तो पर्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट दैट्स हाउ इट इज़. एक दो खिलौने उस पर्स में होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग जो कंपलसरी पर्स में होना चाहिए इज ब्रेस्ट फीडिंग पॉन्चो स्लिंग. ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक आप लोग कैसे पीसफुल कर सकते हो उसका वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ. सो आप अगर पॉन्चो डाल के, मतलब मैंने तो ब्रेस्ट फीडिंग एंजॉय किया हुआ है. इनफैक्ट मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि बच्चा जब तक ब्रेस्ट फीड करता है ना, चलो ट्रैवल करता है मस्त, बस बच्चे को कभी भी भूख लगे मुझे हर बार डिपेंडेंसी नहीं है कि खाना ही चाहिए. मैं खुद जहाँ पे हूँ वहाँ पे बच्चे का खाना है, तो बच्चे को बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड कर पाती थी. सो ब्रेस्ट फीडिंग पॉन्चो स्लिंग, किसी को अगर माय दूजा के पॉन्चो स्लिंग चाहिए तो यू कैन विजिट www.maydooja.com. तो पॉन्चो स्लिंग आप लोग डाल के बहुत ईजीली बच्चे को फीड करा सकते हो. नेक्स्ट थिंग जो आपके पास होना चाहिए इज निप्पल पैड्स. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, अगर ज़्यादा देर फीड नहीं किया है तो आपके ब्रेस्ट में से थोड़ा सा दूध लीक हो सकता है, विच माइट क्रिएट अ डिस्कम्फर्ट फॉर यू. तो आप लोग निप्पल पैड ब्रा के अंदर डाल सकते हो जब भी आपको लगता है लीक का पॉसिबिलिटी है. आप लोग यूज़ एंड थ्रो वाले निप्पल पैड अगर ट्रैवल में यूज़ करते हो तो बेटर है. तो ये हो गया आप लोगों का बैक पैक. तो पहले हम लोगों ने बोला ट्रैवल के टिकट्स कौन से पोजिशन में आप लोगों को बुक करना है, हम बात की आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हो, प्रिफरेबली अगर आपको लगता है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सामान है, तो टेक हेल्प ऑफ अ पोर्टर. बच्चे को कैरियर में डाल दो, आपके साथ हैंडबैग हो सकता है, और कोई पोर्टर है जो आपका सामान चेक इन काउंटर तक लेके जा सकता है. मेन सामान चेक इन करवा दो और फिर आप लोग बच्चे के साथ बहुत ईजीली, बहुत हेवी सामान मत रखो. प्रिफरेबली अ पर्स और अ बैग, उससे हो जाए तो वेल एंड गुड, और वन हैंड बैग विद दैट. और फिर आप लोग बच्चे को लेके अंदर जा सकते हो. सिक्योरिटी चेक जब भी होता है तभी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लीज़ वेयर मत करो. चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ज्वेलरी पहना हुआ है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक अपने साथ कैरी मत करो. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आपके साथ कैरी मत करो, बिकॉज आप लोगों को सिक्योरिटी चेक पे ये सब चीज़ें निकाल के रखनी पड़ेगी. सो बच्चे को लेके जितना हैंडी, जितना फ्री, अगर जितना ईजीली आप लोग काम कर पाओगे उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा. अब हो गया अपना जर्नी चालू. टेक ऑफ एंड लैंडिंग, टेक ऑफ और लैंडिंग ये दोनों समय बच्चे को सकिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फ्लाइट रूल्स आर चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, या तो फिर आप लोग बच्चे को बॉटल दे सकते हो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, या तो फिर बच्चे को पैसिफायर दे सकते हो टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा एक साल प्लस है तो आप लोग लॉलीपॉप बच्चे को दे सकते हो, जो बच्चा सक करता है, ताकि बच्चे के जो ईयर प्रेशर क्रिएट होता है टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त वो मैनेज हो जाता है. अगर आपका बच्चा सोया हुआ है, एकदम पीसफुल है, शेयर फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है, मेरे बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ज़बरदस्ती उठा के बच्चे को सक करवाने की ज़रूरत नहीं है. सोया हुआ है तो फिर सोया हुआ है, जगा हुआ है तो प्रिफरेबली बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए लो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, तो वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो जाता है. जो भी एयर होस्टेस या स्टाफ अराउंड है उन लोगों के पास से आपको एक्सटेंडेड सीट बेल्ट मांग के लेना है. एक्सटेंडेड सीट बेल्ट आप लोग को इसके लिए मांग के लेना है बिकॉज कुछ नेसेसिटीज़ होती है जब भी आप बच्चे को लेकर ट्रैवल करते हो. देर आर फ्यू ट्रैवल प्लेसेस जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अलाउड नहीं करते हैं, आपको एक्सटेंडेड सीट बेल्ट देते हैं और बच्चे को आपको चेस्ट पे ऐसे लेके बैठना पड़ता है टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, और ये कंपलसरी होता है. तो आप लोग बच्चे को ऐसे टाइटली लेके बैठते हो और फिर टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. दो गो या जब भी आप लोग जर्नी में हो, ट्रांजिट में हो, आपको कुछ चीज़ें याद रखना है. अगर बच्चा जगा हुआ है, प्लेफुल मोड में है, तो प्रिफरेबली बच्चे को लेके आइल में घूमो, बच्चे को नए चेहरे देखने दो, बच्चे के साथ थोड़े से एक्टिविटी करो. सिर्फ एक ही जगह पे अगर बैठ के रहोगे लॉन्गर आवर्स के लिए तो बच्चे काफ़ी हद तक इरिटेट हो जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है. इंटरमीडियंटली बच्चे के साथ ब्रेस्ट फीड कराओ, बच्चा जब भी सो रहा है तभी बच्चे को प्लीज़ सोने दो, प्लीज़ बच्चे को डिस्टर्ब मत करो. आई वुड सजेस्ट अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो कीप द डिपेंडेंसी ऑन ब्रेस्ट फीडिंग मोर. दो से तीन बार आप लोगों ने ऊपर का खाना दे दिया या एक आध बार ऊपर का खाना दे दिया तो ठीक है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग पे जर्नी मैनेज कर लो तो बहुत ईजी हो जाता है.
ये थे कुछ बहुत बेसिक टिप्स जो आप लोग एयर ट्रैवल के वक्त टेक्निकली आप लोगों को याद रखना है. नेक्स्ट चीज, ट्रैवल के बहुत दिनों पहले प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए. विदाउट प्लानिंग आप लोग बच्चे के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते. दिस अ टेक्निक कॉल्ड एज इन्फॉर्म एंड देन परफॉर्म. अगर आप लोग से 25 तारीख को कहीं पे एयर ट्रैवल करने वाले हो तो 1 तारीख से ही बच्चे को बताओ ये हम लोग 25 डेज के बाद फ्लाइट में जाने वाले, ऐसे हम लोग US जाने वाले हैं और हम लोग वहाँ पे बहुत मज़े करेंगे, हम लोग वहाँ पे बहुत घूमने वाले हैं, हम लोग के बहुत ज़्यादा ट्रैवल, अलग अलग ट्रैवल वेज, अलग अलग ट्रैवल मोड, अलग अलग फ्लाइट चेंज इन्वॉल्व है, जेट लैग कितना ज़्यादा रहेगा और हम लोग उससे कैसे कोप अप हो जाएंगे. जेट लैग कोप अप होने का सबसे ईजी वेज इज़ वॉटर टू. जब भी उनको नींद आता है सोने दो, जब भी वो लोग जगते हैं उनको जगने दो. एंड ट्रस्ट मी, मैंने जितना भी ट्रैवल किया है मेरे बच्चे के साथ, मेरे को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गया, उनको जेट लैग का इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है जितना हम लोगों को पड़ता है. हम लोग US गए थे तभी वो 3 बजे सुबह उठ के बैठ गई थी, एंड शी वॉज प्लेइंग. मैं और मेरा पति ऑल्टरनेटली उसके साथ खेल रहे थे, एंड वी आर प्रिपेयर फॉर इट कि ठीक है ना, कोई बात नहीं. सो रूल इज सेम, जब भी बच्चा खेल रहा है उसके साथ खेलो, जब भी बच्चा सोना मांग रहा है तभी सुला दो, ज़बरदस्ती जेट लैग के साथ उसको एडजस्ट मत करा. सो आप लोग सब चीज़ें बच्चे को पहले इन्फॉर्म कर सकते हो. बच्चे को इन्फॉर्म करने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है कि बेबी इज मेंटली प्रिपेयर्ड और वो बच्चे को बहुत अच्छे से पीसफुली जर्नी एंजॉय करने देता है. नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को याद रखना है, अगर आप लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कार सीट अरेंज करना बहुत ज़रूरी है या आपको यहाँ से कार सीट लेके जाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इंटरनेशनली अगर आप लोग कार में ट्रैवल करने वाले हो तो ये कंपलसरी है कि आपके पास कार सीट होना चाहिए. सो ये एक चीज़ आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा. यू शुड डू इज नैपचैट. नैपचैट टेक्निक का वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ. तो आप लोगों को बच्चे को रात में सोते समय नैपचैट करना बहुत ज़रूरी है आपके ट्रैवल के पहले से ही, ताकि बच्चा मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके. सो दैट्स इट ऑल ऑफ यू. हैप्पी ट्रिपिंग एंड हैप्पी हॉलीडेज. एन्जॉय करो बच्चे के साथ हॉलीडे में. तो 1-2 साल के बाद करूँगी, ऐसे प्लान मत करो. जितना जल्दी हो सके बच्चे के साथ ट्रैवल प्लान करो ताकि आप भी थोड़े रिलैक्स हो सको, आप भी वो जर्नी एन्जॉय कर सको. आपको पता है ट्रैवलिंग इज ऑल इन माइंड. अगर आप लोग डरे हुए हो कि पापा मेरे से होगा कि नहीं, कन्फ्यूज हो मैं कर पाऊँगी कि नहीं, आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. हो जाएगा यार, मस्त ट्रैवल करते हैं बच्चे के साथ, बच्चा भी एक्सप्लोरर बनेगा. अगर आप बहुत खुशी खुशी और मेंटली प्रिपेयर हो के बच्चे के साथ ट्रैवल प्लान करोगे तो बहुत इजीली प्लान हो जाए. यस, हैप्पी मदर इज ऑलवेज 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 मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.